जैसे कि आपने देखे सिंपलीफिकेशन में हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। आज हम इन सारे क्वेश्चन को हम सेट करने वाले इन सारे क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर से सिर्फ और सिर्फ देख कर ओनली फॉर 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में कैसे इसको आंसर कर सकते हैं इसके विषय में हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, मतलब हर एक के अंदर रूट रूट दिया गया और यह अनलिमिटेड तय दिया गया यानी इन्फिनिटिव तक। यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो इन्फिनिटिव तक दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्डेड इन्फिनिटिव तक नहीं है, यानी कि 2 3 बार है, 5 4 बार है, 7 5 बार है। इस प्रकार से एक बड़ी क्वेश्चन भी हमने उठाया ताकि आपको बेटर तरीके से समझा सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं विदाउट पेन विदाउट पेपर से सिर्फ देख कर कैसे हम लोग आंसर करते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, कोई भी संख्या, यहाँ पर सबसे पहले बात बोले इन्फिनिटिव हो और कोई भी संख्या हो और रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या रहे तो वही उसका उत्तर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 ही इसका आंसर हो जाएंगे जो भी संख्या रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए और अनलिमिटेड तक होना चाहिए, इन्फिनिटिव तक होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर कंडीशन रखा गया तो यही क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर 6666 दिया गया और अनलिमिटेड तक दिया गया दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 कुछ नहीं रहता, मतलब गुना 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 रहता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, 6 ही इसका आंसर हो जाएंगे, है ना, काफ़ी मज़ेदार, बिना देखे बिना कुछ भी किए हुए डायरेक्टली आंसर। यहाँ भी सेम है, 15 15 15 दिया गया लेकिन गुना गुना दिया गया और इन्फिनिटिव है। तो इस कंडीशन पर इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 ही इसका आंसर हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 12 12 12 दिया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएंगे 12 है। जो चीज़ क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को गारो गारो रहेंगे तो आप नीचे कमेंट लिखिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होंगे। हमने ऊपर में सारे क्वेश्चन बता दिए, इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर करिएगा। अगर रूट गारो 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 रहेगा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप सभी कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर छोड़िएगा। अब अगला चलते हैं, अगर यहाँ पर 2 2 2 और सभी में रूट लगा हुआ है, इसमें कोई अनलिमिटेड तक नहीं दिया गया, इस कंडीशन पर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सिंपल सा तरीका है कि कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के पावर हम क्या कर देंगे, क्यू निकाल देंगे, 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू यानी कि 2 के पावर क्यू, 2 के पावर क्यू बराबर कितने होता है, 8 होता। अब 2 के पावर क्यू क्यू निकाल, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने, यानी 2 कितना बार आया, 1 2 3 तीन बार आया, इसीलिए 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ 2 है इसीलिए 2 के पावर क्यू की, ऐसा इस बात को नहीं समझिएगा, सिर्फ 2 के पावर क्यू कीजिएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा 2 है तो हम सबसे पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 आया था तो यहाँ पर एक बट्टा का साइन देंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे और इससे जस्ट एक कम कर देंगे, यानी कि 7 बट्टा 8 यही इसका सही आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों इसको कंसेप्ट को नीचे वाला को समझते हैं ताकि और आपको बेटर तरीके से समझ सके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 चार गो लिखा हुआ, यानी कि 2 के पावर हमें क्या करने होंगे, 2 के पावर 4 करने होंगे। तो 2 के पावर 4 अगर हम करते हैं तो मेरा जो आता है कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, हमेशा 2 के पावर 4 यानी कि जितना 5 रहेगा वो उसको बिठाना। अब यहाँ पर यह मत समझिएगा कि यहाँ पर 2 था इसीलिए यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ पर 5 करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अब कुछ भी संख्या रहे इसके भीतर में उससे कोई मतलब नहीं, खाली जितना टर्म लेगा उसको पावर में और 2 के पावर में उतना लिख देना है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बनाने के लिए ये जो संख्या, इस संख्या को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और इससे जस्ट एक कम कर देंगे, यानी कि 15, यानी यही आपका सही आंसर हो जाएंगे, 5 का पावर 15 बटा 16। उसी प्रकार से यहाँ पर करने तो देखना है 1 2 3 4 5 5 ठो यहाँ पर 2 के पावर कितने हैं, 5 हैं दोस्तों, 2 के पावर 5 बराबर कितने हो जाते हैं दोस्तों, 32। तो उसी प्रकार से सेम लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 7 लिखेंगे और 7 के पावर में क्या कर देंगे, यहाँ पर नीचे 32 लिखेंगे, 32 से एक कम कितने हो जाते हैं, 31 हो जाते हैं, यानी इसका आंसर होगा 7 के पावर हो जाएगा 31 बटा 32, इसका सही आंसर। ठीक है, हमने 2 टाइप का क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया जो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अब यहाँ पर लिखे हुए कि यदि इतना बराबर इतना है तो y का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है,
तो दोस्तों देखिए कि कैसे हम इसका वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर सात 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 लिखा गया, तो सात का पावर चार, तो सात का पावर चार यानी कि सॉरी दो के पावर चार यानी 16 होगा, यानी कि इसके बदले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक 7 लिखेंगे और यहाँ पर पावर में कितना है, दो के पावर चार करेंगे तो 16 आता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे और इसके पावर में 15, यानी इसका वैल्यू इतना आ गया। अब यह जो होता है यह किसका वैल्यू होता है, सात का वैल्यू होता है, यानी सात के पावर अगर हम क्यू करते हैं तो आ जाएगा 343, अब पहले से मौजूद है वाई माइनस थ्री। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस बेस क्या होता है, साथ साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 15/16 बराबर हो जाएगा 3y-1। अब यहां से इसको काट देंगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15। अब यहां पर y-1 और यहां बचेगा 5/16। अब -1 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1, यानी y बराबर हो जाएगा कितना, 5/16 +1। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो इसका जो सही आंसर आएंगे यहाँ पर 16 में 5 अगर जोड़ते हैं तो 16 में 5 अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों, या तो इसको दो प्रकार का यहाँ पर ऑप्शंस दे सकता है, पूर्णांक में अगर देंगे तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1 पूर्णांक 5/16, इसका यही आपका आंसर हो जाएंगे। और अगर इसको डिजिट में अगर दिया जाए तो डिजिट में इसका सही आंसर होगा 21/16। ठीक है, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21/16। अब ऑप्शंस में जो ऑप्शंस रहेगा उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा, है ना, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक्स। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हम इसका मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ला सके। आज का वीडियो का सेक्शन कैसे रहा नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, विदाउट पेन पेपर के साथ हमने बताया, आपको जरूर कमेंट करके जरूर हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।